आईपीएल 2024 ऑक्शन में सिर्फ चार ऐसे इंडियन खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ सेट किया है। अब 2 करोड़ बेस प्राइस बहुत ज्यादा होता है और टीमें 2 करोड़ खर्च करने से पहले जरूर सोचती हैं। पर ये चार इंडियन खिलाड़ियों को क्या कोई आईपीएल टीम खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, ये भी एक बेहद बड़ा सवाल होता है। सबसे पहले नंबर 1 पर आते हैं केदार जाधव। विनय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने रिलीज किया है। सीएसके के लिए बहुत लंबे समय तक ये आईपीएल खेले, इतना कुछ उनका खास बल्ला रहा नहीं, इतना दबदबा रहा नहीं। बैंगलोर ने खरीदा और उसके बाद रिलीज कर दिया है अब। और केदार जाधव ने 2 करोड़ बेस प्राइस सेट किया है। पिछले एक सीजन इनका इतना खास गया नहीं है, ना डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया है, तो अब इन्हें कोई टीम खरीदेगी या नहीं खरीदेगी ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। 2 करोड़ केदार जाधव के लिए, देखते हैं कौन सी टीम खर्च करती है। नंबर 2 पर आते हैं हर्षल पटेल। सेंसेशन थे बैंगलोर की, जिस बैंगलोर की वजह से इन्हें इंडियन क्रिकेट टीम में जगह भी मिली थी, पर इस बार बैंगलोर ने उन्हें रिलीज कर दिया है। और हर्षल पटेल ने 2 करोड़ सेट किया है अपना बेस प्राइस। इनका भी कुछ खास रहा नहीं है, पिछला एक साल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई नहीं है, तो इन्हें भी खरीदने से पहले टीम जरूर सोचेगी। 2 करोड़ सेट किया है बेस प्राइस पर, अब दिक्कत हो सकती है हर्षल पटेल को। आपको क्या लगता है कौन सी टीम हर्षल पटेल के लिए जाएगी? मुझे तो लगता है वापस बैंगलोर ही खरीद लेगी। नंबर 3 पर आते हैं शार्दुल ठाकुर। देखिए वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे, पर वर्ल्ड कप होता है 50 ओवर फॉर्मेट में, या है T20 क्रिकेट। तो अब T20 क्रिकेट में 2 करोड़ शार्दुल ठाकुर के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि टीम खर्च कर देगी। कोई ना कोई टीम जरूर शार्दुल ठाकुर को खरीद ही लेगी, और शार्दुल ठाकुर जैसे बड़े प्लेयर के लिए 2 करोड़ जो बेस प्राइस है वो बनता भी है। शार्दुल ठाकुर किसी ना किसी टीम में आपको जाते हुए जरूर दिखेंगे, इस बात की गारंटी तो पक्का है। नंबर 4 पर आते हैं उमेश यादव। कोलकाता नाइट राइडर्स की सेंसेशन है ये जरूर। पिछला सीजन इनका इतना खास गया नहीं, पर पिछले के पिछले सीजन पावर प्ले में आके इन्होंने बहुत सारी विकेट निकाली, पर इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स ने ही उन्हें रिलीज कर दिया है। उम्र जरूर उमेश यादव की ज्यादा हो चुकी है, पिछले एक साल डोमेस्टिक क्रिकेट में इनका भी कुछ खासा रहा नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम से तो काफी लंबे समय से ये बाहर चल रहे हैं। जरूर इन्हें टेस्ट मैच में खिलाया गया था, पर उसमें भी कुछ खासे परफॉर्मेंस थी नहीं। तो उमेश यादव के लिए कौन सी टीम 2 करोड़ रुपए खर्च करती है, देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बाकी आईपीएल जो टीमें हैं पर्स में सबके पास ज्यादा पैसे बचे नहीं है। तो ये चार खिलाड़ी कौन सी टीमों में जाते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्रिकेट कंट्री पर आईपीएल ऑक्शन 2024 की सारी डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी।